नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मणिकर्णिका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मणिकर्णिका का जो पहला वीकेंड था वो बहुत ही अच्छा गया, लेकिन उतना भी नहीं जैसे दर्शकों से उनको बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है। लेकिन दर्शकों की माने तो पिक्चर में बहुत ही एंटरटेनमेंट है, लेकिन पिक्चर का कलेक्शन अगर देखे तो पहले वीकेंड तो बहुत ही अच्छे गए। फ्राइडे को फिर भी अच्छी ओपनिंग थी। फ्राइडे को ओपनिंग के डे पे उसने 8.5 करोड़ कमाया, और जिसके लिए सेकेंड डे पे उसने डायरेक्ट 100% जंप किया। 8 करोड़ की जगह पे सेकेंड डे उसने 18 करोड़ कमाया, और थर्ड डे उसने 14 और 15 करोड़ कमाया। लेकिन बात करें तो मंडे की मतलब फोर्थ डे पे मणिकर्णिका का कलेक्शन बहुत ही डाउन हुआ, जो 5 करोड़ तक चला गया। और खबरों की ऐसी भी माने तो पता चल रहा है कि मणिकर्णिका फ्लॉप भी जा सकती है। तो आपको पता ही है, मणिकर्णिका कंगना रनौत की सबसे पहली बड़ी पिक्चर है जो 125 करोड़ में बनी है। लेकिन पहला ही वीकेंड उसका बहुत ही अच्छा गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रही है आने वाले दिनों में। तो क्या लगता है दोस्तों, आपको मणिकर्णिका का 125 करोड़ का कलेक्शन कमा पाएगी? अभी तक तो उसका टोटल कलेक्शन 47 करोड़ ही हुआ है, 4 दिन हो गए हैं और आज 5वां दिन है, आज का भी कलेक्शन कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको, कि क्या होगा, मणिकर्णिका हिट जाएगी या फिर नहीं जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।